इंसान नींद दे विच चलदा बोलदा है असल दे विच एक बीमारी है इसमें इंसान कई बार चलता है, उठ के चलता है, कई बार लेटे लेटे कुछ कुछ बोलता है या अजीब सी हरकतें करता है या टांगे मारता है। तो ये एक प्रकार की नींद की परेशानी होती है जिसको मेडिकल भाषा में पैरासोम्निया बोलते हैं। इस प्रकार के मरीज़ कई बार अपने आप को नुकसान पहुँचा लेते हैं क्योंकि उनको तो अवेयरनेस नहीं होती ना। मान लो नींद से उठ के चल रहा है, उसको नहीं पता कि वो नींद से उठ के जा रहा है। तो मान लो बालकनी में, वो बालकनी से नीचे गिर सकता है या किचन में चला गया तो वहाँ पे कोई मान लो तेज़दार वो उससे उसको चोट पहुँच सकती है। तो सबसे पहले जो ज़रूरी होता है कि जो साथ वाले हैं वो ध्यान दें कि वो मरीज़ अपने आप को किसी भी प्रकार से नुकसान ना पहुँचाएँ। थोड़े को अजिहे पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने पैरासोम्निया होता है? हाँ, हमारे पास आते हैं, पर जितना हमने जैसे स्टडीज़ में पाया गया ना कि प्रिवेलेंस जैसे कि इतने लोगों में होता है, उतने नहीं आते हैं, बड़े कम आते हैं, है ना। उसका एक मुख्य कारण यही है क्योंकि लोग ना इसको एक तो बीमारी नहीं समझते। अगर कोई समझता भी है तो आस पड़ोस वाले बोल देंगे या घर वाले बोल देंगे कुछ भी नहीं है ये, तो ये आप मंदिर में मत्था टेक, मतलब उनके खुद के एक बिलीफ सिस्टम होता है, मंदिर में मत्था टेकाओ, ये कर लो, वो कर लो, है ना, या इसको ये खिला दो, इसको ये सुंघा दो। तो वो एक उनके बिलीफ सिस्टम ही चलता रहता है। दूसरा क्या है कि मरीज़ भी थोड़ा सा अपने आप को ना उतना कंफर्टेबल नहीं समझता ये चीज़ें बात करने में कि मैं मतलब नींद में मेरे को ऐसा होता है, क्योंकि लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। तो उसको लगता है कि मतलब मैं तो मजाक का पात्र ही बनूंगा, तो वो क्या होता है कि वो खुल के बात भी नहीं कर पाते। ओके, इस जो है शुरुआत दे विच भी ये गल हुई कि या तो वो मजाक दे विच पैरासोम्निया नूं लै लैंदे आ ते या फिर वो अंधविश्वास वाल चले जाते हैं, इनू सही बीमारी नहीं समझते। ऐदा क्यों? हाँ देखो भैया कि लोग ना इस के बारे में अनजान है। जैसे ऐसा नहीं है कि पैरासोम्निया, बहुत सी ऐसी बीमारियां जिसके बारे में ना लोग अनजान होते हैं और उसको बीमारी नहीं समझते। जैसे मैं एक और बीमारी का उदाहरण दूं, डिमेंशिया है। जैसे ना बुढ़ापे में मेमोरी चली जाती है तो उनको लगता है कि ये बुढ़ापे की बीमारी है ना, कि उम्र बढ़ रही है तो ये कोई बीमारी नहीं है। तो उसमें भी जैसे लोग लेके, तो हमारे सोसाइटी में या कल्चर में क्या है, काफ़ी ऐसी बीमारियाँ हैं जिसको लोग लोकल जो धारणाएँ होती हैं या कल्चर बिलीफ सिस्टम होता है उससे जोड़ के रखते हैं और उसको बीमारी ना समझकर वो अपने ही ये तरीके से कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और इसी वजह से क्या होता है कि इस तरह के मरीज़ की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है या उनकी जो जीने का तरीका है वो बड़ा मतलब ख़राब रहता है। तो जेकर पता लग जाए कि इस शख्स को पैरासोम्निया है तो उसको की करना चाहिए? देखो सबसे पहले अगर किसी इंसान को लगता है, देखो आमतौर पे क्या होता है कि जो हमने देखा, हमारा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि मरीज़ को ज़्यादातर इसका अनुभव नहीं होता है। जो उसके साथ रहने वाले होते हैं, मान लो कि स्पाउस साथ रहता है या पेरेंट्स साथ रहते हैं, तो वो यूजली नोट करते हैं कि हमारा बच्चा या मेरा पति या मेरी पत्नी नींद में ऐसी मतलब बड़बड़ाता है या नींद में उठ कर चला जाता है। तो आमतौर पर साथ रहने वालों को ज़्यादा पता लगता है मरीज़ को छोड़ के। मतलब एक डॉक्टर समझ लो कि जेकर मैनू पैरासोम्निया है ना, तो एक डॉक्टर वजों तुसीं की सलाह दोगे? देखो हमारे पास कोई भी मरीज़ आता है तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि वो ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके लिए हमें पहले उसकी पूरी तरह से जांच करनी पड़ेगी, उसकी पास्ट की हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि कोई दवाइयों पे तो नहीं चल रहा है। और उन सब होने के बावजूद कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें हम ये बता सकते हैं कि इसको पैरासोम्निया की बीमारी है। की कारण रहते ने कि एक शख्स को जो है पैरासोम्निया होता है? देखो पैरासोम्निया जो स्लीप की बीमारी है, इसमें हम देखते हैं कि एक तो उसको कोई किसी प्रकार की शारीरिक बीमारी तो नहीं है। शारीरिक बीमारी मतलब कि किसी को जैसे कि रात को सीजर डिसऑर्डर होते हैं, मान लो कि जिसको एपिलेप्स भी बोलते हैं या मिर्गी के दौरे भी बोलते हैं, तो कई बार उस अवस्था में भी ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। कई बार क्या होता है कि इंसान किसी बीमारी के लिए, उसको कोई बीमारी है और उसमें वो किसी प्रकार की दवाई खा रहा है, तो उस दवाई के साइड इफ़ेक्ट होते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है कि वो नींद में कुछ बड़बड़ाता है या नींद में उठ के चल पड़ता है। या कई बार ऐसा होता है कि इंसान जो दिन में अनुभव करता है, एक्सपीरियंस करता है या लाइफ के जो एक्सपीरियंस होते हैं, तो वो नींद में उस प्रकार से वो अपने आप को री एक्सपीरियंस करता है और उस वजह से वो चीज़ें एकदम से उसी प्रकार से बिहेव करता है। ऐसे लगता है कि उसको, क्योंकि नींद में ऐसा लगता है कि वो उसी रियलिटी में जी रहा है, तो उस वजह से भी कई बार वो उस तरह का बिहेव करता है। तो मतलब आमतौर पे मतलब देखा जाए तो इसको हम दो तरीके में बांट सकते हैं, एक कि सही में शरीर में कोई शारीरिक बीमारी हो सकती है, दूसरा या कोई ऐसी कोई टेंशन, स्ट्रेस या कोई साइकोलॉजिकल बीमारी या कोई ऐसी दवाई जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। ਹੁੰਦਾ कि ਆਪਾਂ ਸੋ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਡਰ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੋ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਐਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? देखो पैरासोम्निया तो एक मैंने बड़ी टर्म यूज़ कर ली है ना उसके, लेकिन हम जब नीचे जाएंगे तो उसमें छोटी छोटी बीमारियों के नाम आते हैं। जैसे आपने बोला कि ना कि ब्रेस्ट पे हाथ रखा चल नहीं पा रहा है या बॉडी मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, तो उसको बोलते हैं स्लीप पैरालिसिस। तो उसमें क्या होता है कि इंसान को लगता है कि जब वो नींद में नींद के ना फेजेज होते हैं, कुछ कुछ ऐसे फेज चलते हैं। तो एक फेज ऐसा होता है जिसमें उसका वॉलंटरी मतलब अपने शरीर के कंट्रोल खत्म हो जाता है, मतलब कि वो ऐसे हाथ नहीं उठा पाएगा। तो वो अगर उस अवस्था में उठता है तो उसको लगता है कि मेरे शरीर में जान नहीं है, उठ नहीं पा रहा हूँ। तो जैसे कि इंसान मृत हो जाता है, लेकिन उसको ज्ञान होता है कि हाँ कि कुछ हो रहा है, लेकिन मेरा दबाव महसूस कर रहा हूँ, हाथ नहीं ला पा रहा हूँ, तो स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं। इसनों किसी तरीके नाल जागरूक किया जा रहा है इंडिया दे विच या पंजाब दे विच? हाँ, अभी तो मतलब काफ़ी लोग जागरूक भी हुए हैं। जैसे कि ना कुछ कुछ इंस्टीट्यूट में स्लीप जैसे कि होता है ना कि अलग से क्लिनिक चल रहे हैं कि स्लीप क्लिनिक अलग से चल रही है। तो और अवेयरनेस प्रोग्राम काफ़ी हो रहे हैं और कुछ कुछ जगह जैसे कि इसको स्लीप डे को, वर्ल्ड स्लीप डे को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। तो पहले की तुलना में तो मतलब काफ़ी अवेयरनेस आई है लोगों में, लेकिन उसको हम कहें कि हमारे पास मरीजों का आना उतना कन्वर्ट नहीं हुआ अभी। चंडीगढ़ पीजीआई की गल कर लिए तो इत्थे अजिहा कुछ कराया जाता है जागरूकता लई या पैरासोम्निया नूं लैके कुछ कीता जांदा है? देखो हमारे पीजीआई में क्या है कि अभी ऐसा कोई स्लीप क्लिनिक तो नहीं चल रही अलग से, हाँ, लेकिन ये है कि जिन लोगों का इंटरेस्ट है तो वो जब भी कोई ओकेजन होता है तो उस समय ज़रूर वो कोशिश करते हैं कि ऐसी चीज़ें मतलब सोसाइटी में बताई जाएं कि ये भी बीमारी है। और कई बार मीडिया के थ्रू भी बताई जाती हैं, पर जितनी रिक्वायरमेंट है उतना नहीं है।